हमारे सचिव इस संस्थान के नगर पंचायत पाटन के तीसरी बार अध्यक्ष आचार्य जगेंद्र सिंह जी हैं। नामदाखंड सेवा संस्थान के द्वारा जरारू धाम गौ अभ्यारण्य का प्रबंधन जिला प्रशासन दमोह ने दिया था 2016 में 17 सितंबर 2016। 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन और मुझे सांसद बने हुए दूसरा साल नहीं हुआ था। तीसरा यहाँ पर नर्सरी शुरू हो गई है। इस साल से 1 लाख पौधे इस साल नर्सरी में तैयार करने का अभियान है जो पूरा होगा। तीसरा है वृक्षारोपण का। हर साल हमने वृक्षारोपण किया था, एक बार और हमने 5,000 पौधे एक दिन में सबने मिलकर लगाए थे। और मुझे गर्व है कि कभी आप अभी जो लोग रुके तो पहाड़ी पर जाकर देखिए। उनके द्वारा ये 10,000 पेड़ एक पेड़ माँ के नाम जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, उसमें आज जरारू धाम गौ अभ्यारण्य में इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में हम सभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जरारू धाम अभ्यारण्य में 11 जुलाई को यह अभियान हमारे सम्माननीय नेता आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा किया गया, जिसमें एक ही दिन में एक साथ अथक प्रयासों से लगभग 1300 लोगों ने दिन भर की मेहनत के बाद 10,000 पौधों का रोपण किया। हम आपको बता दें कि मुझे इस जरारू धाम गौ अभ्यारण्य का सचिव बनाया गया है और जब 2016 में गौ अभ्यारण्य की शुरुआत हुई थी तब इस वीरान पहाड़ी पर एक भी पौधा या पेड़ नहीं था। धीरे धीरे इस पहाड़ी पर प्रति वर्ष हजारों हजार पौधों का रोपण हुआ और उनका संरक्षण हुआ। इस गौ अभ्यारण्य में 5 प्रकल्प चल रहे हैं। इन प्रकल्पों में गौ संरक्षण, नस्ल सुधार अभियान, जल संरक्षण, पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षारोपण, जैविक खेती और गोबर से गोबर गैस का उत्पादन, इस तरह से यह प्रकल्प धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जल संरक्षण के क्षेत्र में इधर पे गौ वंश के पीने के पानी के साथ साथ जल स्तर को सुधारने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। धीरे धीरे ये वीरान से दिखने वाली पहाड़ी हरियाली में तब्दील हो रही है। विगत वर्षों में जो पौधे आदरणीय प्रहलाद जी के प्रयासों से लगे थे वो आज वृक्षों का रूप ले रहे हैं। जैविक खेती में सब्जियों का उत्पादन भी हो रहा है और जो पौधे हमने लगाए थे वो वृक्ष बन गए और उनमें फल भी लगना शुरू हो गए हैं। इस वर्ष भी जो पौधों का रोपण हुआ है उनमें अच्छे किस्म के फलदार पौधों का रोपण किया। प्रदेश भर में या समूचे देश में एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है।